नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का पाल मिस्ट्री ज्ञान चैनल में। दोस्तों आज की इस वीडियो में आपको हम बताएंगे कि क्या आपके यूपीएससी आईएएस या आईपीएस के एग्जाम क्लियर होंगे, तो आप इस वीडियो को अवश्य देखें। आइए सबसे पहले अपने हाथों पर देखते हैं कि क्या वो शुभ साइन होता है, कौन सी वो साइन होती है जो आपको ये पेपर को क्लियर करवाती है। सबसे पहले हाथ की कुछ रेखाएं या पर्वत मजबूत स्थिति में होना चाहिए। सबसे पहले हम ये लेते हैं, ये बुध की फिंगर और ये बुध का पर्वत। बुध का पर्वत मजबूत होना चाहिए। बुध एक बोलने की कला को सिखाता है और सूरज का जो पर्वत है ये भी समानता उठा होना चाहिए और सूरज की जो फिंगर है बड़ी होनी चाहिए और सूरज के पर्वत के ऊपर एक सीधी खड़ी लाइन होनी चाहिए। ये सीधी खड़ी लाइन होनी चाहिए। ऐसे लोग जीवन में हमेशा ऊंचे पद पर आसीन होते हैं और इसी के साथ एक हार्ट लाइन जिसको हम कहते हैं कि हृदय रेखा गुरु के पर्वत तक जाती हो और एक मस्तिष्क रेखा लंबी मस्तिष्क रेखा हो। ये लंबी मस्तिष्क रेखा ऐसे लोग अपने मन की करने वाले होते हैं, प्रशासनिक में है ना तो अपने जीत पे तोड़ेंगे और इसी के साथ एक जीवन रेखा। ये रेखाएं समानता दोषपूर्ण नहीं होनी चाहिए और ये हमेशा साफ सुथरी रेखाएं जीवन को अग्रसर की तरफ बढ़ाती है। और ये जो गुरु का पर्वत है, गुरु के पर्वत के ऊपर एक त्रिकोण बनना चाहिए। ये त्रिकोण की साइन ये सरकार के क्षेत्र में उच्च पद पर आसीन करवाती है और ये गुरु का पर्वत समानता उठा होना चाहिए और गुरु की फिंगर बड़ी होनी चाहिए और हाथ का जो कलर है वो गुलाबी कलर का होना चाहिए और सूरज के पर्वत के ऊपर एक फिश की साइन बनी हो। ये फिश की साइन बनी हो। ऐसे लोग दूर की दृष्टि देखने में सक्षम होते हैं और ऊर्ध्वमुखी रेखाएं हो। जीवन में जब भी सफलता हमें मिलती है हमारी ऊर्ध्वमुखी रेखाएं बोलती है या हमारी प्रोग्रेस रेखा बोलती है, तो जीवन रेखा से निकल के एक लंबी और बड़ी रेखा यह आपकी सफलता की, ये आपकी प्रोग्रेस की या आपकी प्रमोशन की ये रेखाएं जीवन में आपको अवश्य सफलता दिलाती हैं। और एक भाग रेखा प्रबल होनी चाहिए। ये चंद्र पर्वत का क्षेत्र है, इसको हम चंद्रमा का पर्वत बोलते हैं, चंद्रमा का पर्वत। और ये पर्वत समानता उठा होना चाहिए। यहां पर चाहे त्रिकोण बन जाए या एक फिश की साइन बन जाए इनमें से कोई, और यहीं से एक भाग रेखा चलकर हार्ट लाइन में मिल जाए और हार्ट लाइन की रेखा गुरु के पर्वत की तरफ देखती हो और इसे हमारे फेट लाइन के ऊपर या साथ में एक फिश की साइन बनती हो, एक फिश की साइन बनती हो। ऐसे लोगों को अवश्य एग्जाम क्लियर करवाती है। तो दोस्तों ये रही आज की हमारी वीडियो, फिर एक नई वीडियो के साथ मिलते हैं। आप सबका पूरा वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद।